दोस्तों ये है बजाज की फ्रीडम 125, 125 सीसी के एक ऐसी बाइक जिसको आप सीएनजी और पेट्रोल दोनों से चला सकते हैं और दुनिया की मतलब इंडिया की ये पहली ऐसी बाइक है जिसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इससे क्या है कि आपके जेब पे खर्च थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं ना ये थोड़ी सी अजीब कलर सेगमेंट में आपको दिख रही होगी, ट्रांसपेरेंट पूरा फ्यूल टैंक दिख रहा है इसका। एक्चुअली कंपनी ने इस वाले मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना इसको आप खरीदेंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मैकेनिज्म के लिए है। कंपनी ने ये समझाया है ताकि आप अपनी सेफ्टी को लेकर पूरी तरह से सिक्योर हो जाएं, आप इस मैकेनिज्म को समझ पाएं कि आखिर किस तरीके से कंपनी ने सीएनजी और पेट्रोल को दोनों को कंबाइंड करके फ्रीडम 125 को बनाया है और इंडियन मार्केट में इसको लॉन्च किया है। आइए एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में, आप डिटेल से सारी चीज़ समझ पाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसके सारे वेरिएंट्स भी आपको बताऊंगा और उनकी कीमत भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे फ्यूल टैंक देखिए, आपको थोड़ा मस्कुलर डिज़ाइन में फ्यूल टैंक दिख रहा है, लेकिन अंदर सारा पार्ट पुर्जा आपको दिख रहा होगा। ये मैकेनिज्म दिखाता है कि कैसे आप इसमें सीएनजी और पेट्रोल दोनों एक साथ फिल करवा सकते हैं और जब सीएनजी ख़त्म हो जाती है तो आप पेट्रोल में इसको स्विच भी कर सकते हैं। आइए एक एक करके प्रोसेस जानते हैं। इसमें तीन वेरिएंट आपको मिलेंगे, तीनों वेरिएंट का डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर देखिए आप फ्यूल कैप जैसे खोलते हैं, यहाँ पर दो कैप आपको देखने को मिलेंगे। ये जो अभी नॉब आप देख रहे हैं ये सीएनजी के लिए है, इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सीएनजी फिल करवा पाएंगे और सीएनजी यहाँ से जब आप फिल करवाएंगे तो वो सीधे फिल होती हुई जो सीट के नीचे है ना वहाँ पे सीएनजी का एक टैंक लगा हुआ है, वहाँ पे जाके फिल होगी। अब इसके बगल में ये जो कैप है ये पेट्रोल के लिए है, यहाँ पे आप डायरेक्ट पेट्रोल दो लीटर तक पेट्रोल वगैरह भी डलवा सकते हैं और सीएनजी 2 किलो तक इसमें आप फिल करवा सकते हैं। 2 किलो आई थिंक कि इनफ है, तब तक कोई ना कोई सीएनजी स्टेशन मिल जाएगा जहाँ पे हम रिफ़िल वगैरह करवा सकते हैं। तो देखिए सीएनजी भरवाने पे ना आप जो है डायरेक्टली फ्यूल इधर भरवाएंगे, सीएनजी इस साइड भरवाएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल आता है ना कि सीएनजी का टैंक फटेगा तो नहीं, तो देखिए सीएनजी यहाँ पे फिल होगा। ये इसका पूरा जो है सिलेंडर लगा हुआ है जिसपे सीएनजी लिखा हुआ है और ये 2 किलो तक आप इसमें सीएनजी भरवा सकते हैं और 100 किलोमीटर से ज़्यादा पर लीटर आप इसकी जो है माइलेज निकाल सकते हैं सीएनजी के साथ। अब ये आपके सीट के जस्ट नीचे है, सवाल ये उठता है कि क्या सीएनजी इतना सेफ है, तो मैं आपको एक ही शब्द में बताऊंगा कि इस बाइक का बहुत तरीके से क्रैश टेस्ट किया गया है, अलग अलग एंगल से किया गया है ताकि कहीं से भी जो सीएनजी सिलेंडर है वो फटने के चांसेस ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसका ध्यान कंपनी ने रखा है और इंडियन मार्केट्स में अब हमको ये बाइक देखने को मिलेगी। तो आप देखिए आप किसी भी शोरूम पे जाएंगे ये वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। वैसे ये वेरिएंट आप खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि इसको लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन आप पूरा मैकेनिज्म समझ जाएंगे जब आप कम नज़दीक से देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सीएनजी कहाँ जा रहा है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, दोनों इंजन में वर्क कैसे कर रहे हैं। इसीलिए कंपनी ने ये एक डेमो जो है आपको दिखाया है ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। और 125 सीसी का इंजन इसमें आपको मिलता है जिसमें 9.5 पीएस की पावर मिलती है और 9.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो पावर और टॉर्क 125 सीसी के हिसाब से ठीक ठाक है। अगर आप पहाड़ी जगहों पर रहते हैं और अकेले चलते हैं तो आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको पासिंग स्विच मिल गया और यहाँ पर एक स्विच मिलता है जिससे आप पेट्रोल और सीएनजी दोनों में स्विच कर सकते हैं। अगर आपको सीएनजी में चलाना है तो स्विच कर दीजिए, पेट्रोल में चलाना है स्विच कर दीजिए। उसके नीचे देखिए कॉलिंग का एक स्विच मिलता है क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिलती है, अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के माध्यम से आप कनेक्ट करवा सकते हैं, इसके बाद बहुत सारे फीचर्स का लाभ भी ले सकते हैं। साथ ही साथ राइट हैंड साइड पर देखिए आपको यहाँ पर आपको जो है पावर स्टार्ट जो है स्विच मिल जाता है। अब यहाँ पर मेन मीटर कंसोल देखिए, यहाँ पर लिखा है लेस अस राइड और यहाँ पर लिखा है रिफिल सीएनजी, कह रहा है कि सीएनजी अब भरवाइए, रिफिल करवाइए क्योंकि ये खाली खड़ी है वहाँ पे शोरूम पे। और फुली डिजिटल मीटर कंसोल है यानी कि सबसे टॉप मॉडल है, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है, ध्यान रखिएगा। फुली डिजिटल मीटर कंसोल LCD डिस्प्ले आपको मिलता है तो ये सबसे टॉप मॉडल है। और यहाँ पर देखिए मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाता है, चलते बाइक पर अपने फ़ोन वगैरह को भी आप आराम से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, अब मैं बताता हूँ इसके वेरिएंट्स, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें तीन वेरिएंट हैं,
टॉप मॉडल जो आप देख रहे हैं ये है NG04 डिस्क LED और दूसरा आता है NG04 ड्रम LED और चौथा आता है NG04 ड्रम, सिर्फ ओनली ड्रम, जिसमें आगे आपको LED लाइट नहीं मिलेगी। खैर, इसमें देखिए आपको जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो आपको LED नहीं मिलते, लेकिन जो मेन हेडलाइट है वो आपको LED मिलती है। यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है, जहाँ पर फ्रीडम लिखा हुआ आपको कम्प्लीटली देखने को मिलेगा। एक्चुअली अगर लुक वाइज मैं बात करूँ तो ये नो डाउट कि ये बाइक दिखी अलग रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पे आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं जिसमें आपको 240 mm का डिस्क लगा हुआ है और टायर की साइज़ की मैं बात करूँ तो आगे वाला टायर 90x80 90x80 का है और ये 17 इंच का ट्यूबलेस टायर कंपनी आपको लगा कर देती है। इसमें किसी तरह का ABS नहीं मिलता, लेकिन CBS का सपोर्ट है, यानी कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक भी साथ में काम करेगा, ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। खैर, ये बड़ी उटपटांग सी दिख रही है बाइक, मैं सही बताऊं तो एक नज़र में मुझे लगा कि अरे यार इसे कौन खरीदेगा, क्योंकि अजीब सी दिख रही है, लेकिन लेने वाले ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम इसकी पीछे वाली प्रोफाइल पे आएंगे और वो भी मैं आपको सारी चीज़ डिटेल से बताऊंगा। देखिए, तीनों वेरिएंट में जो सबसे लोवेस्ट मॉडल है ना, जिसका नाम है NG04 ड्रम वेरिएंट, उसकी एक्स शोरूम प्राइस 89,000 यानी कि 89,997 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। इसमें आपको 15,000 से 20,000 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे, तब आप ऑन रोड प्राइस पे पहुंचेंगे। और जो इसका बीच का वेरिएंट है उसकी कीमत 1,00,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है, और जो सबसे टॉप मॉडल है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसकी कीमत है 1,09,997 रुपये, 1,09,997 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड जाते जाते आप मान के चलिए कि ये लगभग 1,25,000 से लेकर 1,30,000 में कंप्लीट ऑन रोड आपको मिलेगी। पीछे देखिए, जो पीछे टायर लगा हुआ है इसकी चौड़ाई ठीक ठाक है। पीछे वाला टायर आपको 120x70 सेक्शन का मिलता है, 16 इंच का ट्यूबलेस टायर है। साथ ही साथ पीछे आपको जो ड्रम ब्रेक मिलता है इसकी साइज 130 mm है। CBS का सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया है। और पीछे जो सस्पेंशन है वो मोनोलिंक टाइप सस्पेंशन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया कंप्लीट मैकेनिज्म वाला जो आप वेरिएंट देख रहे हैं, जिसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से पूरी ही बाइक का मैकेनिज्म काम करता है। तो कैसी लगी CNG वाली बाइक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसकी जस्ट अगली वीडियो में मैं इसकी जितने वेरिएंट्स हैं उनके एक एक करके वीडियो आपको दिखाऊंगा जो आपको खरीदनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये वाला तो खैर इसकी बात मैं नहीं करूंगा, दूसरी वाली जो आप खरीदेंगे जो कलर वाइज आएगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।